एडॉल्फ हिटलर सन 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी के शासक और तानाशाह, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और करोड़ों लोगों की जानें गई थी। गोरखाओं के बारे में हिटलर ने क्या कहा था, इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गोरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो कौन सा समय था जब हिटलर ने कहा था कि अगर मुझे गोरखाओं की पलटन मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ, और हिटलर ने गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करने की इच्छा क्यों जताई थी, और विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने एक गोरखा के लिए कब और क्यों तालियां बजाई थी, और ऐसे कौन कौन से घटनाएं थी जिससे हिटलर खासे प्रभावित हुए थे और गोरखाओं का लोहा माना था। तो ऑनलाइन मित्र चैनल के इस वीडियो में आप देख रहे हैं गोरखा और जर्मन सैनिकों से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और आखिर में आप देखेंगे दो ऐसे डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो उस वक्त गोरखाओं के साथ घटित नहीं होने चाहिए थे। तो जान लेते हैं पहली घटना को, जब जर्मन सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक गोरखा के लिए तालियां बजाई थी। लेकिन इस घटना को जानने से पहले आपको दो फैक्ट्स पता होनी चाहिए। पहले ये कि हिटलर दूसरे विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो खुद प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बैवेरियन आर्मी में जर्मनी के तरफ से लड़े थे, और वो गोरखाओं को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जान गए थे। हिटलर ने खुद कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने गोरखाओं को प्लेन से बिना पैराशूट के कूदते हुए देखा था, और उन्होंने गोरखाओं को नाम दिया था ब्लैक डेविल्स, यानी काले शैतान। और क्योंकि जर्मन सैनिकों ने गोरखा के लिए ताली बजाने की घटना एक गोरखा को सन 1915 में मिले पहले विक्टोरिया क्रॉस की है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि गोरखा सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुई थी 1815 में, तो पहला विक्टोरिया क्रॉस मिलने में 100 साल कैसे लग गए। तो ब्रिटेन की विक्टोरिया क्रॉस, जो इंडिया के परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है, और विक्टोरिया क्रॉस के अलावा दूसरे गैलेंट्री अवार्ड्स या मेडल्स भी ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी को सन 1911 के पहले तक नहीं दिए जाते थे। 1911 के बाद ही ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड्स कॉलोनियल आर्मी के सैनिकों को दिए जाने लगे। तो इस घटना के मुख्य किरदार हैं 2nd बटालियन ऑफ द 3rd गुरखा राइफल्स के उस वक्त 26 वर्षीय राइफलमैन और बाद में हवलदार कुलबीर थापा की, जो पहले नेटिव गोरखा हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश ऑनर सिस्टम का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो 15 सितंबर 1915 को फ्रांस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ यूं कि जर्मन सेना से लड़ते हुए राइफलमैन कुलबीर थापा बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। तब लाइस्टरशायर रेजिमेंट के एक ब्रिटिश सिपाही जिनका नाम था प्राइवेट इवान जोन्स, उनको जर्मन फर्स्ट लाइन ट्रेंच के पीछे कुलबीर थापा ने जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखा। तब राइफलमैन कुलबीर थापा को अपने सैन्य इलाके में वापस जाने का अनुरोध करने के बावजूद वो पूरे दिन और पूरी रात उस घायल सिपाही के साथ रहे, और अगले दिन सुबह जब धुंध भरा मौसम हुआ तब राइफलमैन कुलबीर थापा ने उस सिपाही को जर्मन सैनिकों ने बिछाए तारों के नीचे से घसीटते हुए अपने ट्रेंच पर ले आए, और ये किया विद इन स्पिटिंग डिस्टेंस ऑफ जर्मन्स, यानी जर्मन सैनिक थूकते तो इन तक पहुंच जाता, इतने कम दूरी पर से जर्मन सैनिकों की गोलीबारी की परवाह किए बगैर वो फिर गए और एक एक करके बुरी तरह जख्मी दो गोरखाओं को भी अपने ट्रेंच की ओर ले आए। विश्वास और साहस के इस तरह की एक अविश्वसनीय कार्य ने अब तक जर्मन सैनिकों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, और हद तब हो गई जब तीसरी बार अपने कंधे पर एक और घायल साथी के साथ राइफलमैन कुलबीर थापा अपनी ट्रेंच से बाहर निकले, तो जर्मन सैनिकों ने वास्तव में उस गोरखा को प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजाई। राइफलमैन कुलबीर थापा को अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने घायल गोरखा कॉमरेड ही नहीं, एक घायल ब्रिटिश कॉमरेड की भी जान बचाने के लिए और बहुत ही उच्च स्तर की वीरता और कर्तव्य परायणता का परिचय देने के लिए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। और आज इनका एक स्टैचू भी देखने को मिलेगा प्रिंसेस गार्डन में, जो है इंग्लैंड के हैम्पशायर काउंटी के एल्डरशॉट टाउन में। हालांकि उस दौरान हिटलर वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटे गोरखाओं के ऐसे बहादुरी के कई किस्से सुन रखे थे, और मैं भी गोरखा को मिले 3 विक्टोरिया क्रॉस और सैकड़ों मिलिट्री डेकोरेशन में से सिर्फ एक किस्सा बता रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध की ओर, जब तक हिटलर बन चुके थे जर्मनी के नाजी पार्टी के लीडर और जर्मन मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर इन चीफ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था 1939 से 1945 तक, और जिसे शुरू किया था हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके। और उस वक्त हिटलर के फेवरेट आर्मी जनरल थे अरविंद रोमेल, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआत में मेजर जनरल से बनाया गया था लेफ्टिनेंट जनरल, बाद में युद्ध के दौरान ही एक जनरल से बनाया गया था उन्हें फील्ड मार्शल। और ये इतने काबिल और चतुर थे कि इनको निकनेम दिया गया था डिजर्ट फॉक्स। इन्हें हम इस वीडियो में डिजर्ट फॉक्स ही कहेंगे, क्योंकि इनके नाम का सही उच्चारण जर्मन भाषा में बहुत ही अलग है। हिटलर से ज़्यादा डिजर्ट फॉक्स गोरखाओं से खासे प्रभावित हुए थे, खासकर नॉर्थ अफ्रीका और इटली में हुए लड़ाई के दौरान। होता ये था कि जब भी कोई बैटल जर्मन सेना जीतने के करीब होती
तो वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी गोरखाओं को भेज देते थे और उस बैटल का पूरा रुख ही बदल जाता था। यहाँ पर ध्यान रहे कि वॉर पूरे युद्ध को बोला जाता है और युद्ध के दौरान लड़े जाने वाले छोटे छोटे लड़ाई जो अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में लड़ी जाती है उसे बैटल कहा जाता है। इन सारे छोटे छोटे बैटल से ही पूरा वॉर बनता है। अब मैं बताता हूँ एक ऐसा किस्सा जो जर्मन अफ्रीका कोर के एक सिपाही और डिजर्ट फॉक्स के ड्राइवर रुडोल्फ स्नाइडर ने अपने मेमोयर्स ऑफ वॉर में बताया था। वो बताते हैं कि फील्ड मार्शल डिजर्ट फॉक्स को फ्रंटलाइन का भ्रमण करना अच्छा लगता था और हम रेगिस्तान में दूर अंदर तक जाया करते थे। एक बार हमें 14 जर्मन सैनिक मिले जो ऐसा लगा कि सो रहे थे। जब हम करीब पहुंचे तो हमने देखा कि हर एक सिपाही का गला कटा हुआ था। पास में हमें एक खुकरी मिली, ब्रिटिश गोरखा सैनिक का चाकू। मेरे पास अभी भी वो चाकू है, ये कहा था डिजर्ट फॉक्स के ड्राइवर रुडोल्फ स्नाइडर ने। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों के पहुंचने से कैसे हर एक बैटल या लड़ाई का रुख बदल जाता था उसके दो मुख्य कारण आपको बताता हूँ। पहला कारण यह है कि ब्रिटिश मिलिट्री के साथ मिलकर लड़ रहे देशों की सेना और जर्मन सेना दिन के उजाले में ही ज़्यादातर लड़ते थे और रात को अपने अपने कब्जाए इलाकों में या बंकर में छुपकर रात गुजारते थे। लेकिन गोरखा रात के अंधेरे में भी जर्मन सैनिकों के पोस्ट में जाकर उनका गला काट देते थे। रात के अंधेरे में ही वो सबको मार देते थे, लेकिन सिर्फ एक सिपाही को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वो वापस जाकर दूसरों को बताए और उनमें खौफ पैदा हो जाए। ऐसी रणनीति थी गोरखाओं की। अब देखते हैं गोरखा बटालियन के एक ऑफिसर की वीडियो क्लिप जिसमें मेजर गॉर्डन कैरिगन गोरखाओं का इतिहास ब्रिटिश लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। गोरखा गांव के लोग होने की वजह से जो हिमालय के पास रहते हैं वो रात में बहुत अच्छे होते हैं। वो अंधेरे से नहीं डरते, वो रात में इधर उधर घूम सकते हैं और रात में भी वो जमीन को समझते हैं। और वो बहुत ज्यादा इस चीज में अच्छे थे कि वो रात को छुप छुप कर जाते और जर्मन पेट्रोल को ढूंढ लेते और उनको मार देते थे। ज्यादातर वो एक को छोड़कर बाकी सारों को मार देते थे ताकि वो वापस जाकर अपने साथियों को बताए और उनको ज्यादा डरा दें। अब देखते हैं दूसरा कारण गोरखा के आने से क्यों बैटल का रुख बदल जाता था। होता ये था कि जब भी बैटल फील्ड में जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ रहे एलाइड फोर्सेस के सैनिकों को ये पता चलता था कि गोरखा की पलटन उनके मदद के लिए उनके साथ लड़ने आ रही है तो उनका मनोबल बढ़ जाया करता था और हौसले बुलंद हो जाते थे और नई ऊर्जा के साथ आगे की लड़ाई लड़ा करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहाँ गोरखा बटालियंस को मिले थे 3 विक्टोरिया क्रॉस, वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनके बटालियंस को मिले थे 1 डजन विक्टोरिया क्रॉस और टोटल 2000 से ज़्यादा दूसरे गैलेंट्री अवार्ड्स। अब सारे घटनाएं एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है, इसलिए इनमें से सिर्फ एक घटना अभी आगे आपको बताऊंगा। और अगर आप गोरखाओं के और भी ऐसे बहादुरी के किस्से जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में सिर्फ यस लिखकर बता दीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो ऐसे हजारों घटनाएं जो हुई उनमें ज़्यादातर गोरखाओं ने गोली ख़त्म होने की वजह से या मशीन गन के सामने अपनी राइफल असरदार नहीं होने की वजह से सिर्फ अपनी खुकरी लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ने और उनको मौत की नींद सुलाने की घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के रूप में फील्ड मार्शल डिजर्ट फॉक्स ने बनाए हुए अफ्रीका कोर के सैनिकों के खिलाफ नॉर्थ अफ्रीका के ट्यूनिशिया में विक्टोरिया क्रॉस विजेता सूबेदार लाल बहादुर थापा मगर ने अपनी खुकरी या बायोनेट से ही मशीन गन चला रहे सिपाहियों को शांत कर दिया था और उनके पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। गोरखाओं के बहादुरी के इतने ढेर सारे किस्से और घटनाएं एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिटलर ने कई ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे, खासकर उनके फेवरेट जनरल डिजर्ट फॉक्स से। और मैं ये सोचता हूँ कि गोरखा और उनकी खुकरी के इतने सारे किस्से सुनकर हिटलर ने भी ये सोचा होगा कि राइफल, मशीन गन और बॉम्ब के लड़ाई में ये चाकू लेकर कौन आता है। अब बात करते हैं हिटलर ने कब कहा था कि अगर मुझे गोरखाओं की पलटन मिल जाती है तो मैं पूरी दुनिया पर फतेह पा सकता हूँ। ये कहा था उन्होंने जब जर्मनी हार के कागार पर थी और वो अपनी ही सेना से नाखुश हो गए थे। अब देखते हैं ऐसे दो घटनाएं जो उस वक्त गोरखाओं के साथ घटित नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले, अब तक की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो पहली घटना यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो करीब 20,000 गोरखा शहीद हुए थे उसमें से ज़्यादातर गोरखा दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान नहीं गंवाई थी। जितने गोरखा शहीद हुए थे उनमें ज़्यादातर गोरखाओं की जानें गई थी पानी में डूबने की वजह से। जी हाँ, गोलीबारी से ज़्यादा पानी में डूबने से मौतें हुई। और इसका कारण ये था कि गोरखा आते थे पहाड़ी इलाके से और ज़्यादातर गोरखाओं को तैरना नहीं आता था, और जब युद्ध में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग की जाती थी तब ब्रिटिश आर्मी सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर ही इनको भेज दिया करते थे।
और जब ब्रिटिश आर्मी को ये बात पता चली तब से इनको प्रॉपर स्विमिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है और तो और स्विमिंग कॉम्पिटिशन भी करवाया जाता है। दूसरी दुखद घटना यह है कि विश्व युद्ध के दौरान जितने गोरखा शहीद हुए थे उनके परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिला। इतना ही नहीं, जो लोग घायल हुए थे और ड्यूटी ज्वाइन करने योग्य नहीं रहे उनका भी बचा हुआ जीवन बहुत ही कठिनाई भरा गुजरा क्योंकि उन्हें भी उचित मुआवजा नहीं मिला था। और ऐसा ही कुछ हाल है आज के दिन सिंगापुर गोरखा कंटिंजेंट में कार्यरत गोरखाओं की कहानी, जिसे दिए हुए कार्ड पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।